नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुग्राम प्लस पर। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, आप इसको देखकर सोच रहे होंगे हम गोवा में या किसी नदी के किनारे घूमने गए हैं, लेकिन असल में आपको बता दें कि गुरुग्राम जो साइबर सिटी है उसी की एक जगह है मारुति कुंज, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। और यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं, नदी की लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। गंदा पानी है, लेकिन आप यहाँ पर फील तो नदी वाला ले ही सकते हैं। ये जगह है, यहाँ पर लोग गंदे पानी में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, जब भी कोई वाहन यहाँ से आ रहा है तो किस तरह से गंदे पानी की लहरें दुकानों तक और सड़कों के बाहर तक जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी जो है वह स्थिति है। और गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी देश में या बाकी गांव में क्या हालात होंगे। आपको बता दें कि नया साल शुरू हो गया है और नए साल का स्वागत जो है अच्छी बारिश के साथ हुआ है, लेकिन उसी बारिश ने जो है सड़कों की परतें उधेड़ दी हैं और प्रशासन की पोल खोल दी है। आप यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या फिर लोगों की लापरवाही या फिर सड़कों की लापरवाही मान लीजिए, क्योंकि नेता तो खुद की गलतियां मानेंगे नहीं कि उनकी लापरवाही के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। शुरू से लेकर अब तक बहुत ही पहले से यहां पर इस गंदे पानी को लेकर राजनीति होती रही है। कोई लोग अपने को नेता समझते हैं और बीजेपी के विधायक का नाम लेकर गंदे पानी पर राजनीति करते हैं, लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि वो लोग पानी को साफ करवा देंगे, लेकिन इन्हीं झूठे आश्वासनों के भरोसे लोग बैठे रहते हैं। और आखिर में वो लोग क्या करते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं या फिर ये कह लीजिए बड़े नेताओं के नाम पर राजनीति खेलते हैं और लोगों को छलावे में रखते हैं। अभी जो है गुड़गांव में यहाँ पर हालात आपको देख सकते हैं, खुद देख लीजिए, स्कूटी के ऊपर तक पानी जाने को हो रहा है। यहाँ पर अगर आप पैदल यहाँ पर लोग चल जा रहे हैं, बीमारियाँ यहाँ पर फैलती हैं और ये जो खड्डे कह लीजिए, ये पानी जो कह लीजिए, वो हादसे का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पानी के कारण खड्डे दिखाई नहीं देते हैं जिसमें कोई भी हादसा हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं, गुड़ग्राम जैसे बड़े शहर में लोग राजनीति करते हैं, नेताओं के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों को झूठे झलावों में रखते हैं। आखिर में होता क्या है कि लोग उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि ये पानी कभी ना कभी तो साफ होगा। उसके अलावा जो यहाँ के विधायक, चेयरमैन या कुछ भी कह लीजिए, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आखिर गलती है किसकी? इसका जवाब हर कोई सुनना चाहता है कि कब ये पानी साफ होगा, कब यहाँ के लोग जो हैं वो सुकून से, चैन से यहाँ पर आवाजाही कर सकेंगे, या यहाँ पर आने वाले जो वाहन हैं वो आराम से बिना किसी हादसे के डर से यहाँ पर आ जा सकेंगे। अभी सिर्फ हल्की फुल्की बारिश थी, साल की पहली बारिश थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पर पूरे इतना पानी भर गया है कि नदी वाली, आप देख सकते हैं, नदी की तरह ये पानी पूरी लहरों से आ रहा है। अगर तेज बारिश होगी या मानसून का मौसम होगा तो यहाँ पर क्या हालात होंगे, कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे, कैसे यहाँ पर वाहन आते जाते होंगे, ये आप खुद सोच लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का भी पानी साफ़ हो, यहाँ की भी जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य हो जाए, तो गुरुग्राम प्लस की इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी तहला, नमस्कार। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।